हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस हफ्ते के डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स के सेशन में। तो आज जो मार्च फर्स्ट के दिन मैं वीडियो ले रहा हूँ, यह है हमारे पिछले जो 2 वीक्स का जो अपडेट है वो आप हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा अपडेट आज का है कि जॉन म्यूलर जो गूगल के चीफ पर्सन है, उन्होंने कहा है कि कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स आर लिमिटिंग एंड प्रोवाइड नो एसईओ बोनस। यानी अगर आप देखते होंगे कि बहुत बार हमने भी, बहुत सारे एसईओस ने भी ये कहा है कि डोमेन में कीवर्ड होना जो है बेनिफिशियल होगा एसईओ के लिए, लेकिन जॉन म्यूलर ने इस बात को ये कहा कि इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, यानी इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में, और ये लिमिटिंग रहेगा। तो ये एक पॉइंट इन्होंने इस बारे में बताया, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों, कि जहाँ पर भी लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पर भी जो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है, मैंने ऐसे कई वो वेबसाइट्स देखे हैं जहाँ पर आसानी से जो कीवर्ड का जो डिमांड होता है वो इवन हैविंग लो कंटेंट, इवन हैविंग जो है ना लो वैल्यूएशन होने के बावजूद भी वो अच्छे से रैंक करता है। उसका एक वजह होती है कि लो कॉम्पिटिशन है और साथ ही साथ जो कीवर्ड है वो उनको एडवांटेज कर रहा है। लेकिन जो गूगल का कहना है कि कीवर्ड का जो है वैल्यू नहीं होती है, उससे बोनस नहीं मिलता है, सो हम कंसिडर करेंगे कि हाँ कॉम्पिटिटिव नीच में वो कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम इस बात को भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा अपडेट है दोस्तों, YouTube रोल्स आउट न्यू मेटा डेटा फॉर एजुकेशनल वीडियोस। ये बिल्कुल सिंपल सा अपडेट है। जब हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं किस कैटेगरी में आप अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट हुआ या हाउ टू हो गया या एजुकेशन। तो अब एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक मेटा डेटा यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आएगा, जो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यूजर्स को सर्च रिजल्ट्स में जब दिखेगा, ताकि वो यूज़र डिसाइड कर सके। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जो देखूँगा वो ये होगी कि जब अपलोड करते वक्त में ये कौन सा टाइप का वीडियो है, ये किस जो है ना स्टैंडर्ड का जो वीडियो है, किस स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन सी क्लास का वीडियो है या कौन से लेवल का वीडियो है, कौन से टॉपिक का वीडियो है, इस तरह से मेटाडेटा में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आएगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र को सर्च रिजल्ट में बताया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो एडिशन हो रहा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या ना करें, आपके ऊपर है दोस्तों। इसके बाद गूगल वेब स्टोरीज द न्यू AMP क्वेश्चन। यहाँ पर एक्चुअल में पॉइंट ये है दोस्तों, जिस तरह हम AMP के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस में एक दूसरा वर्शन होता है, जो सेम वेबसाइट का जो है दूसरा वर्शन आता है AMP, जो फास्टर लोड होता है हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे। तो यहाँ पर AMP क्या सेम वेब स्टोरीज से नहीं, वेब स्टोरीज बेसिकली AMP से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी फ्रेमवर्क पे बनाया गया है। वेब स्टोरीज का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि सिंपल सा जो हमारा कंटेंट है उसका सिर्फ HTML पार्ट, यानी जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं सिर्फ उसका HTML पार्ट, जो सिंप्लीफाइड वर्शन होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्शन होता है, उस वर्शन को हम कहते हैं वेब स्टोरीज। तो ये इसके लिए वर्डप्रेस के लिए प्लगइन भी आपको अभी अवेलेबल गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है इस पर्टिकुलर प्लगइन को यूज भी कर सकते हैं, जहां पर आप वेब स्टोरीज ऑटो जनरेट अपने वेब पेज में हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद का अपडेट है गूगल पेज एक्सपीरियंस अपडेट स्टार्ट्स रोलिंग आउट ऑन डेस्कटॉप। आपको पता है, जिस तरह आपने पिछले वीडियो देखा होगा, तो पेज एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बताया है, कोर वेब वाइटर्स के बारे में बताया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो है अभी डेस्कटॉप पर रोल आउट होना शुरू हो गया है, जिससे बहुत सारे वेबसाइट्स पर इफेक्ट पड़ना या इम्प्रूव या सब माइनर चेंजेस होने के चांसेस है दोस्तों। तो ये अपडेट आप एक बार डेफिनेटली चेक करते जाइए कि ये मंथ एंड तक, जो मार्च के एंड तक ये फाइनल रोल आउट हो जाएगा। तो देखते रहिए कि आपकी वेबसाइट का कुछ ट्रैफिक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद YouTube एडिंग मोर एनालिटिक्स डेटा एंड व्यूज एंड रेवेन्यू। बेसिकली यहाँ पर जो है YouTube यूजर्स को और इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में डेटा बता रहा है, ताकि क्रिएटर्स जो है आसानी से जो है उस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके, उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग वगैरह कर सके। तो ये बिल्कुल एक रेगुलर सा हम कह सकते हैं कि अपडेट है दोस्तों। और इसके बाद गूगल ने अपडेट किया है अपने डेस्टिनेशन एड्स का जो पॉलिसी होता है उसको अपडेट किया है। उसमें बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है, पहले क्या होता था, अगर कोई एड डिसअप्रूव हो जाए
तो सिर्फ गूगल ये कह देता था कि बट डिसअप्रूव दिस यूआरएल इज नॉट एलिजिबल, लेकिन अब आपको रीजन दिया जाएगा क्यों वो एलिजिबल नहीं है। अगर किसी यूआरएल अगर यूआरएल पे जाने के बाद कमिंग सून पेज है तो वो कमिंग सून पेज है, इस वजह से उन्होंने उस पर्टिकुलर पेज को जो है डिसअप्रूव किया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल जो है रेगुलरली प्रोवाइड करेगा। तो ये था दोस्तों हमारे इस हफ्ते का बिल्कुल सिंपल सा अपडेट, जो तमाम दो हफ्तों में जो अपडेट्स हुए हैं उस अपडेट्स के बारे में आपके लिए जानकारी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिए और वीडियो पर लाइक कीजिए, ताकि मुझे जो है एंकरेजमेंट मिले कि आपके लिए वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते। भाई आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो आपका तो खींच नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो है वीडियो का प्रमोशन होगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।